नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में खेले जा रहे T20 विश्व कप 2021 के मुकाबले के लाइव स्कोर अपडेट में। जी हां दोस्तों, आज का मुकाबला श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जा रहा है। दोस्तों, मौजूदा चैंपियन वेस्ट इंडीज को अगर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी धुंधली उम्मीदों को बरकरार रखना है तो उसको बल्लेबाजी की अपनी कमजोरियों को दूर करके श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार को खेले जाने वाले मैच में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। पहले दो मैचों में हार के बाद वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 रन की करीबी जीत से टूर्नामेंट में अपने बने रहने की उम्मीदें जीवंत रखी है। दो बार के चैंपियन की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बेहद ही धूमिल है, लेकिन उसे अभी दौड़ से बाहर नहीं किया जा सकता। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न सिर्फ अगले दोनों मैच में जीत दर्ज करनी होगी बल्कि नेट रन रेट में भी सुधार के लिए बड़े अंतर से मैच जीतने होंगे। इसके अलावा उसे अन्य मैचों में अपने अनुकूल परिणामों के लिए भी प्रार्थना करनी होगी। दोस्तों, वेस्ट इंडीज अगर अपने दोनों मैच जीत लेता है तथा इंग्लैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा देती है, फिर 3 टीमों के समान 6-6 अंक हो जाएंगे और ऐसे में नेट रन रेट काफी मायने रखेगा। ग्रुप ए से इंग्लैंड सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर चुका है। दूसरी तरफ 2014 का चैंपियन श्रीलंका ने पिछले 3 मैच गवाए हैं और वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। वह अधिक से अधिक अब 4 अंक ही बना सकता है, जो कि उसके आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वेस्ट इंडीज अगर बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज कर पाया तो इसका श्रेय उसके ऑलराउंडर डेवेन ब्रो, जेसन होल्डर और आंद्रे रसेल को जाता है, जिन्होंने डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। उसके गेंदबाजों ने दिखाया कि वे अच्छे स्कोर का बचाव करने में सक्षम है। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे स्टार स्पोर्ट 1, स्टार स्पोर्ट 2 और स्टार स्पोर्ट 3 पर लाइव देख सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, अपने मोबाइल पर अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, समय समय पर मैच के ताज़ा स्कोर अपडेट और हाईलाइट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको तमाम जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी टीम आज विजेता बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।